धन्यवाद। गाड़ी हमारी रेडी है, हमारा ही वेट हो रहा था भाई। आओ, सफर हमारा शुरू हो गया है यहाँ से हेलियंग का। बड़ी मजा आ रही है भाई। भाई अच्छा, हम लोग तो तेजू से आ रहे हैं ऐसे ही लिफ्ट लेके पीछे से। तो इधर टूरिस्ट वगैरह आते हैं? कम आते हैं सर, यहाँ पे कम आते हैं ना अभी, अभी तो एयरपोर्ट हो गया ना यहाँ पे। हाँ, तेजू की वजह से आता है कोई के। थोड़े लोग आने लगे। हाँ, आते हैं सर। हाँ, वालोंग कितना आगे है हाईलैंड से? हाईलैंड से सर वो वालोंग 150 किलोमीटर है। 150? 130। 130 ऐसे तो 100 है सर, वहाँ से तो काहो तो थोड़ा बॉर्डर तक तो 130 है। अच्छा, काहो तक जाना में खैर वहीं तक है, लेकिन आज हाईलैंड तक ही जाएंगे। पहुँच जाएंगे सर आराम से आप। हाँ, हाईलैंड में होमस्टे वगैरह मिल जाएगा? मिल जाएंगे सर। बस चलो देखते हैं फिर। और 1 बज रहा है, हम लोग 9:30 बजे निकले। तो भाई लैंडस्लाइड की वजह से कुछ देर रुकना पड़ रहा है हमें यहाँ पे। थोड़ा आयुष पीछे, एक्चुअली फ़ोन भी मेरा चार्ज नहीं है, तो अच्छा पावर बैंक से थोड़ा चार्ज कर लेता हूँ। बाकी देखिए आपने क्या चल रहा है। टाइम हो रहा है 2:47, अप्रॉक्स 1.5-2 घंटे से हम लोग यहाँ पे हैं। क्या हुआ भाई, कितना टाइम लगेगा? 5 बजे खड़े हैं बोल रहे हैं। 5 बजे? टाइम कितना हो गया? 2:30 बजे है भाई। गिरा दिया, प्लस कर दिया वाला। तो ये गिरा क्यों रहे? वो रास्ता क्लियर कर रहा ना। लैंडस्लाइड हुआ है? स्लेट नहीं, वो पत्थर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया वो। अच्छा, पत्थर को गिर गया ना ऊपर, रास्ता नीचे गिर गया। अच्छा, नीचे माल गिरा रहा ना वहाँ पे है रास्ता। अच्छा, 5 बजे का ये तो जाम लग जाएगा फिर तो जी? जाम हो जाएगा? नहीं, पीछे से भी तो गाड़ी आ रही होंगी ना उधर से। भी गाड़ी आ रही है।
5 बजे का टाइम लगेगा, अभी तरी टाइम लगेगा भाई। ये देख सकते हो नीचे लोहित रिवर, और बता रहे हैं रास्ता ब्लॉक कर दिया है, बम से गिरा दिया बता रहा है पहाड़ को। और इस गाड़ी से हम लोग आए हैं, टाइम लगेगा भाई 2.5 घंटा लगेगा। और इधर रोड रोड बन रहा है, काम चालू है भाई, यही तो होता है यार। बता रहे कि इधर का कुछ टाइम है 2 बजे से 5 बजे तक काम चलेगा। और चाय पीते हैं भाई, चाय पी रहे हैं, चाय दिखाओ भाई, मस्त चाय, क्योंकि ठंडक शुरू हो गई है यार। उधर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है यार। देखते हैं यार, मेरे ख्याल से रात हो जाएगी शाम को, पौसे पौसे 5 बजे ये खुलेगा। देखो इसलिए हम लोग ने सही डिसीजन लिया कि आके घर रास्ता भाई से के साथ करते हैं, क्योंकि था कि हाँ उधर हम लोग कुछ खाते वगैरह, लेकिन सही हुआ हम लोग निकल आए। अभी 2 घंटा 2.5 घंटा हम लोग का यहाँ जाएगा, 6-7 तो बज जाएंगे, 7-8 बजेंगे अपने को पहुँचे। और इधर वैसे भी 5 बजे अंधेरा तो हो ही जाता है, 5 बजे तक अंधेरा हो जाएगा। देखो भाई 3 बजे चांद निकल आया है, इधर चांद है उधर सूरज अभी भी है। गुलेल हाँ 2 घंटा और पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगा। आप किधर से हैं? हाईलोंग के ही। अच्छा, हाईलोंग से फिर हमको जाना है 1 किलोमीटर। हाईलोंग से आगे जाना है आपको 1 किलोमीटर, वहाँ तो पैदल जाना पड़ेगा। रोड बन रहा है। हाँ आप लोग जहाँ पर रहा ना में। हाँ हाँ वहाँ नहीं रुक रहा। अच्छा हमें पता नहीं, एक्चुअली हम खुद ही उतना तुरंत आए थे, हमें पता नहीं था, तो हमने जैसे भाई से पूछा भी कि चाय के लिए, तो कहते पी लो, मैंने कहा ठीक है, वरना ऐसा कुछ आइडिया होता तो हम लोग, अब इतना आइडिया होता तो हम खुद ना उस चीज़ को समझते। अभी मज़ा थोड़ी ना आ रही है भाई यहाँ बैठ के। हालत देखो भाई, क्या हालत हो गई है जूते की, बट मानना पड़ेगा भाई, डिकैथलॉन यार बेस्ट है ब्रो, बेस्ट है। ग्रिप देखो यार, कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं पैर से भाई। आखिरकार हम लोग हाईलोंग आ गए, तो होटल हमने कर लिया है, ऐसा ही कुछ हमारा रूम जिसके लिए हम पे कर रहे हैं 600 रुपीज़। ये डबल बेड है, ये वॉशरूम है, और अभी सामान रखा है, बाहर जाते हैं कुछ खा के आते हैं, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। कल शाम को जो हमने नूडल्स खाया था वही सुबह थोड़ा सा खा लिया था बचा हुआ था, उसके अलावा 1 कप चाय के अलावा कुछ भी नहीं खाया है, और बहुत पैदल चले हैं। क्या बोलते हो? बहुत ज़ोर की भूख लगी है भाई, तो चलो सामान वगैरह रखते हैं, थोड़ा हाथ पैर साफ वगैरह करते हैं, तो फिर बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं क्या है, कैसा सीन है यहाँ पे।